आज सिरसा ज़िला में कुल 43 केस नए आए हैं और इनको मिलाकर के टोटल केसों का आंकड़ा है वो 1907 हो गया है। साथ में एक बुरी खबर भी आई, एक 31 वर्षीय युवक की भी डेथ हुई है जो कि ओबीज था और डायबिटीज़ थी। दो दिन पहले वो सांस की दिक्कत के चलते यहाँ पे आया था, उसका टेस्ट किया गया पॉजिटिव था, मेडिकल कॉलेज अग्रोहा रेफ़र किया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और कुल मौतों का आंकड़ा जो सिरसा ज़िले में है वो 25 हो गया है। ये एक ख़तरनाक सिचुएशन है, अब इसमें कम उम्र के लोग भी आने लगे हैं। इससे हमें लोगों से सचेत रहने की मैं अपील करता हूँ कि समाज में आप लोग सैंपल देने से डर रहे हैं। सैंपल न देने का नुकसान ये होता है कि वो अंदर अपने बीमारी लेके घूमते रहते हैं और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो और मौत के करीब हो जाते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं फिर उनको इलाज के दौरान बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको बचाना। तभी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि लोग जो भी कॉन्टैक्ट में आए हैं पॉजिटिव केस के, भले ही उसको सिम्टम हैं या नहीं है, उनको जाँच ज़रूर करानी चाहिए। अभी तक जो केस हैं हमारे यहाँ से 1206 रिकवर होके जा चुके हैं और 676 आज की डेट में एक्टिव हैं और 566 लोग अभी होम आइसोलेशन में हैं, बाकी अंडर अपने एडमिशन में हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल में, डीसीसी के अंदर और डेरा में और अपना जेसीडी के अंदर। और जहाँ तक हम देखें कि सैंपलिंग है, सैंपलिंग का दायरा पिछले दिनों से हमने काफ़ी बढ़ाया है और सैंपल अब कुल मिलाकर के 50,000 से ज़्यादा, 50,269 सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं जिनका आंकड़ा आपके सामने है। सैंपल बढ़ाने का यही प्रयास है कि जितने सैंपल हम करेंगे, जितने कॉन्टैक्ट ट्रेस करेंगे, उतने ही लोग बचेंगे, कि लोग अपने आप को सैंपल देने से डरे नहीं और उसको सहायता करें हमारी टीम की। और कोरोना डरने की चीज़ नहीं है, ये लड़ने की चीज़ है, इससे लड़ें ताकि हम इससे जीत करके अपने आप को कोरोना मुक्त बना सकें। अब जिला जेल में अभी तक 11 लोग पॉजिटिव आए थे जो कि कैदी थे और इन 11 को हमने यहाँ पे जेसीडी में भर्ती कर रखा है, हालांकि वो एसिम्टोमेटिक है। और एक बच्चे को जुवेनाइल जेल हिसार में एडमिट करवाया गया है और बाकी जो आज सभी कैदियों की हमने आदेश दिए हैं कि सभी कैदियों की जांच की जाए कोरोना की, अगर और कोई भी कोरोना पॉजिटिव है तो उसको भी हम आइसोलेट करके उसका इलाज करेंगे।